इंसाफ टीवी देख रहे दर्शकों का फिर तो स्वागत है। एक नवा ही कारनामा कर दिता है जिला प्रशासन ते नगर कौशल प्रशासन वालों। 10 साल पहला मर चुकी महिला उपर किया गया केस दर्ज। दस दिए कि तुसी सियासी रंजस के चलदिया बहुत सारे कारनामे सुने होंगे, पर अज जो तो तुहानू असी कारनामा दसन जा रहे हाँ वो जड़ा सारिया तो हट के है। दस दिए कि 2017 विधानसभा चुनावों में फतेहगढ़ चूड़िया के कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी की जिथे मदद की सिला किया तो उन्होंने उसका इनाम यह मिले कि जो कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्होंने लोगों उपर मामले दर्ज कर दिए गए, लेकिन जिन्हें 8 लोगों उपर मामले दर्ज किए गए हैं उन्होंने एक महिला का नाम भी शामिल है जिसकी मौत 2009 हो चुकी है। मामला है नगर कौंसल फतेहगढ़ चूड़िया की किराए के दुकाना का। 2018 फतेहगढ़ चूड़िया ने 8 लोगों के खिलाफ नगर कौंसल की दुकाना का किराया ना देन अते ताले तोड़न दा मामला दर्ज करवाया। हुण जिस औरत दी मौत दा केस दर्ज किया गया उसकी 10 साल पहला ही मौत हो चुकी थी। नगर कौंसल वालों इल्जाम है कि उस मृतक औरत अते उसके बेटे ने मिलकर झगड़ा किया सी अते कौंसल अधिकारियों नूं गाली गलौज किया सी। इस संबंधी जानकारी दिंदे होया पीड़ित लोगों ने दस्या कि नगर कौंसल की दुकानों विच असी किराएदार हाँ अते हर सियासी रंजस के चलते मामले दर्ज किए गए सन। साड़ी माता सीता रानी नू मरे हुए 10 साल के करीब हो चुके हैं, पर उस उपर भी मामला दर्ज कर दिया गया है। असी 2018 में ही सरकारी अफसरों नू दफ्तरों के चक्कर कट रहे हाँ, लेकिन साड़ी कोई सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन रंजिश के सलद्या सानू इंसाफ नहीं दिता जा रहा, जबकि साड़ी माता नू मरिया होया 10 साल हो गए हैं पर उस उपर भी केस दर्ज किया होया है। मामला ये जी 2017 की गल है, 2017 10 अक्तूबर तो ये 24 अक्तूबर 10 2017 की ये जी साढ़े को दुकाना ने कमेटी दिया दुकाना 213 ने भुपिंदर साहब जेडे ईओ ने उन्होंने खुद बयान में लिखा कि 213 दुकाना ने 213 दुकाना के सारे ही बंदे डिफाल्टर ने ते उन्हां को किराया कराने वास्ते आपां इन्हां उत्ते कार्रवाई की है। उहदे विच जिहड़े 213 दुकाना जिहड़ियां जिन्हां को डिफाल्टर ने ते सिर्फ कार्रवाई की जाती है जी सिर्फ 8 जणिआं ते 8 जणिआं तो बाद भी 3 जणिआं नूं उहदे विचों कढ दित्ता जांदा, सिर्फ रह जांदे आपां बकाया 5 जणे। 5 जणिआं दे विच इक जिहड़े मेरे माता जी आ उह जिहड़े 2009 दे विच जिहड़े उहनां दी मृत्यु हो जाती है तो उन्होंने डैथ सर्टिफिकेट मेरे को पिया वा उन्होंने भी परचे में रखा जाता क्योंकि सिर्फ सानू हरासमेंट करने वास्ते, इस करके भी इन्हां दी जिहड़ी लेडीज़ नूं भी उहदे विच इस करके रखा गया कि सिर्फ ये लोग हरासमेंट होण ते ये साडे नाल राबता कायम करन ते आपां उस टाइम दे विच 2017 दे विच आम आदमी पार्टी नूं सपोर्ट कीता है ते हरास होण तों बाद ये साडे नाल कॉन्टैक्ट करन ते साडियां पार्टी दे विच आण के मिलन ते आपां इस करके आपां अज ये उस दे दौरान भी आपां ये जिहड़ियां कार्रवाई करदे रहे ये केस दे दौरान भी कि आपां SDM साहब नूं जां अपने मुख्यमंत्री साहब नूं भी एप्लीकेशन पाईआं जिहदे दौरान जिहड़ियां साडे कोलों इनकुआरी फतेहगढ़ चूड़ियां दफ्तर दे विच भी आई ते जिहदा आपां जवाब भी दित्ता और जवाब साढ़े को मौजूद है। उस समय आप अखबार के फोटो लाई कि निर्विघन इस जी कार्रवाई का जोड़ा इन्होंने इनकुआरी भेजी है वह जवाब निर्विघन दिता जाए तो सच के आधार से दिता जाए, क्योंकि 2009 जी मृत्यु हुई है माता जी की आप ही लाई यो ही आप एप्लीकेशन लाई भी 2009 जे माता जी साढ़े पूरे हो गए हैं तो वह 2017 के 18 के उन्होंने परचा दर्ज हो गया कि सिर्फ साड़िया भावना आहत करने वास्ते परचा दर्ज किया गया। मेरी माता जी अभी भी सानू सुपने के यही कहते भी जे जींदे जागते साडे ते परचे नहीं होए तो साडे मरिया के उत्ते साडे ते परचे दर्ज कराउंदे हो, इहोजिहा प्रशासन ते इहोजिही जिहड़ी सरकार आ इहो ही कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि ये जिहड़ियां कार्रवाइयां होंदियां एक तरफा किसी के दबाव हेठा करके कीतियां जांदियां ते आपां किराया देण नूं तैयार ही आपां तो उदों भी उन्होंने कहा ही उन्होंने दफ्तर के साडे को मौजूद आ सारी आ वाली अखबार भी साडे को मौजूद हैगी आ उस समय की भी आप उन्हां को जाके आप रिक्वेस्ट की सर भी साडे को तुसीं किश्तां विच किराया लै लो, पर इन्हां ने साडे को किश्तां दे विच किराया नहीं लिया आ सारा कुछ लिखा था आप ऑफिस के खलोते हैं कि इन्हां को रिक्वेस्ट करन दे आ
रिक्वेस्ट करन दे उस समय भी साढ़े को किश्तों से किराया ले लो तो आप किश्तों से किराया देने तैयार है, पर फिर भी इन्होंने कहा ढाडे ते परचे ही दर्ज करने, तो परचे दर्ज किए गए सिर्फ तिना बंद मौजूदा आप बंद हाजिर हैं। तो अखबार के सब कुछ लिखा था वा कि अखबार ने भी उस समय यो कोई लिखा कि ईओ साहब के अगर रिक्वेस्ट की गई भी ये परचे जी है अपने को दुकानदार किश्तों में किराया देने तैयार ने, पर ईओ साहब ये गल के उत्ते तैयार नहीं है कि आप किश्तों में किराया लेना। अपन तो सर उदों भी आप जोड़ा हालांकि जोड़ा किराया लेना तो चलो बनता वा तो देने भी वो आप तैयार हैं, पर परचे करना जायज़ तो नहीं। जे किराया लेना जायज़ है तो परचे करना तो जायज़ नहीं है, क्योंकि आप चौवां पंजां सालों तो आप हरास हो रहे हैं। साडे माता जी जे पूरे हो गए ने साडियां भावनां नूं आद करके साडे माता जी उपर परचा दर्ज किया वा। ये परचे का जिहड़ा हैगा नजायज़ परचा दर्ज किया, इहदा सानूं इंसाफ मिलना चाहिए तो वह बंदियां ते कार्रवाई की जानी चाहिए। दो महीने पेंडिंग पिया रहा परचा एस एस पी साहब को उत्थे विच ए एस आई गुरप्रीत सिंह नूं लाया गया, उहदे विच दो महीने उन्होंने इनकुआरी की भी इनकुआरी करन दे बावजूद माता जी जिहड़े 10 साल तो पूरे अगे की गल घर बैठ के इनकुआरियां कीतियां गईयां ये वालियां जां किसी प्रशासनिक दबाव या राजनीतिक दबाव के कारण साडे ते परचे दर्ज किए गए। ये सारी जिहड़ी कार्रवाई बनती आपां 4 साल के विच ये जिहड़ी हरासमेंट नूं सह रहे हां, अते हार के आपां अपने जिहड़े एप्लीकेशन भी पाईआं ने उहदी एप्लीकेशन दी साडे ते इनकुआरी फतेहगढ़ चूड़ियां अपने डिप्टी साहब को भी पहुंची है, तो आप जवाब भी दिता तो बड़ा वधिया जवाब दिता तो निर्विघन जी हैगी कार्रवाई की जी है जवाब दिता आप कार्रवाई की जाए तो सानू इंसाफ दिता जाए। मैं सारे प्रेस वाले वीर का सारे का बहुत धन्यवाद करता कि साडा जिहड़ा बयान जिहड़ा उत्थे जद इस संबंधी आम आदमी पार्टी के हलका इंचार्ज पीटर चिद्दा ने कहा कि ये लोग साडे वर्कर हैं जिन्हां नाल ना इंसाफी हो रही है, इन्हां दी माता दी मौत हो कई साल पहला हो चुकी है लेकिन मामला दर्ज किया गया है जो सरासर गलत है। जिहड़ा मैटर है जी पहले ही दीप शर्मा जी दस चुके ने, यह आम आदमी पार्टी के बड़े जुझारू तो जदों दी पंजाब च की पूरे भारत च पार्टी का निर्माण किया गया ही उदों दे लोग जिहड़े ने साडे वलंटियर ते फतेहगढ़ चूड़ियां तो नाल चले सीगे और इन्हों पार्टी दे करके ही जिहड़ा वा क्योंकि 17 की इलैक्शन से जो पंजाब सरकार बनी है इन्होंने शरेआम आम आदमी पार्टी के बूथ लाए थे और उहदे करके 212 दुकाना जिहड़ियां डिफाल्टर उत्थे गिणियां गईयां, बट टारगेट जिहड़ा इन्हां मेन दोवां बंदियां नूं बनाया गया और इहदे विच इन्हां ने प्रशासन ने रिक्वेस्ट भी की कि जिहड़ा किराया वा आपां दे सकदे आ, चलो एक अलहदा इन्हां दी लड़ाई आ, उह सरकार नाल असीं समर्थन करदे आ, कोर्ट का असं समर्थन करते कि जो ऑर्डर दे देंगे करन नूं तैयार ने, बट एक शर्मनाक घटना जी है मैं मीडिया के नाल साझी करना चाहुंदा कि जिदा इन्होंने दस्सिया परचे दे विच ईओ भुपिंदर सिंह जी एक कंप्लेन कर रहे हैं थाना फतेहगढ़ चूड़ियां दे विच कि सारा मैं तुहानूं बस ब्रीफली दस दिंदा कि इत्थे आ शब्द लिखिया वा कि किराएदार श्रीमती सीता राणी दे पत्नी श्री राम लभाया अते मौके ते उसका बेटा राजू शर्मा इस सांझी घटनाक्रम में शामिल सी। घटनाक्रम की है जी कि दुकान का ताला तोड़िया गया, सरकारी नोटिस में पाड़िया गया। सांझी घटनाक्रम का मतलब है कि राजीव शर्मे के नाल राजू शर्मे के नाल उन्हां दी माता श्रीमती सीता जी स्वर्गवासी ने, जिहड़ी गल मैं तुहाडे नाल करनी चाहुंदा कि 10 साल पहला यह उन्हां दा डैथ सर्टिफिकेट आ, 2009 च उन्हां दी डैथ हो चुकी है, यह सरकारी रिकॉर्ड आ। और एक कड़ी इनक्वायरी की गई अफसर साहिब किन्नी क गुलाम आ ये कांग्रेस सरकार की, यहोजे मंत्रियों की कि जेडे ये भी नहीं वेख रहे कि असं किसी बंद ने परचा दर्ज कर रहे हैं वो जींदा है कि जो इस दुनिया को चलाना कर चुका। वेखो कि शर्म वाली गल आ, जींदे बंदे धक्केशाइया पता तुम बहुत करते हो, तुम अफसरों को कराते हो, कम से कम जोड़ा इस दुनिया से नहीं वो तो वेख लो हैगा कि नहीं है। और ये परचा जोड़ा वा 2 महीने की इनकुआरी की गई है थाना फतेहगढ़ चूड़िया चू, 2 महीने की इनकुआरी तो बाद ये शब्द बोले जाते हैं जो माता जी राजू के नाल मिल के सरकारी नोटिस पाड़ रहे हैं, दुकाना के ताले तोड़ रहे हैं। और मैं पूछना चाहना भुपिंदर सिंह होना कि माता जी कितने रेंदे ने, उन्होंने परिवार वरलाप कर रहा कि दो कि शब्द उन्होंने साझे कर लैन, दुख की घड़ी से इन्हों आशीर्वाद दे देन। भुपिंदर सिंह होना को कि जंतर मंत्र सीगा कि उन्होंने माता जी ने उत्थे बुलाया, उन्होंने सामने ताले टुटे। मैं शब्द जड़े आ उन्हों को पूछना चाहना मीडिया के जरिए, इन्होंने 2 साल लड़ाई लड़ी पर इन्हों की आवाज़ किसी ने नहीं चुकी,
ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਵੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ SSP ਆਫਿਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੁਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ EO ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਲ ਤੋੜ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਸੀਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੀ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਦੱਸਿਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇਨਕਮ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੈਂਟ 'ਤੇ 213-14 ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੀਤਾ ਰਾਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਲਗਭਗ ਕੋਈ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਬਣਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਰਾਇਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ PWD ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ 10 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ ਇਸ ਡਰੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੰਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੋਟਿਸ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੀਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਗਏ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਰਨਾ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ